मेरी पत्रिका उत्तरांचल रसोई है। 20 साल हो गए। प्रणाम सबको मेरा। आज मैं फिर आपको जो कल मेरा उत्तरांचल रसोई का जो एपिसोड है उसमें उत्तराखंड रसोई के जो मैं बारे में बताने जा रही हूँ, तो वो आज फिर उससे आगे का किस्सा है। कहानी के रूप में ही मैं आपको सुनाऊंगी और कहानी के ही रूप में मैं इसको बताऊंगी भी आपको। इसकी ये कहानी है कि उत्तरांचल जो रसोई का प्रारंभिक जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये सबसे पहले जो हमारा प्रारंभिक जीवन मानव का हुआ था जंगलों से, और उसके बाद में जो मनुष्य ने प्रगति की और उसके बाद पाषाण काल आया, तो पाषाण का पत्थरों का युग आया, तो पत्थरों पर मानव को जो है खाने बनाने की टिप्स भी आ गई। और उन्होंने क्या किया कि उसको जो ये पत्थर होते थे उनको जो चौड़े पत्थर को आग जलाना आ गया था, तो पत्थरों पे मांस मोर करके खाना शुरू कर दिया था। और साथ में ही उन्होंने जो था दो पत्थर रख करके और इस प्रकार से अपने कंद मूल फल जो थे सारे खाने प्रारंभ कर दिए थे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अब धीरे धीरे जब प्रगति हुई, युग युग बीते, एक जैसी परंपरा में चलते हुए आते आते मानव का पहले जो शरीर विकास था, देखा होगा आपने, वो जंगलियों जैसा था। जंगलों का जैसे मानव होता है उछल कूद बांदर की तरह जाना आना इस तरह से था। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो तो उसका जो भोजन था जो वो खाता था वो कैसा था, वो जंगली जानवरों को खाना जो भी जानवर मिल जाते थे। प्रभु ने तो सारे जानवर जो आज बनाए हैं वो तो प्रारंभ में ही बना दिए थे, तो सारे चीज़ों को ये खाया करते थे। और इसलिए इनका जो था मतलब चेहरे पर हिंसक टाइप का सा, जैसे मुझे लगते थे कि डरावने चेहरे, ऐसी चीज़ें थी। तो जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये वो जिस तरह से वो शिकार करते थे, उन्हें खाते थे, उसी तरह से उनका मन भी था, शरीर विकास भी था और विचार भी था, हिंसक थे। तो इस तरह से मनुष्य को धीरे धीरे प्रगति करते करते, कहा ना कि जब महिलाओं ने वृक्ष के नीचे अपना स्थायी रूप बना लिया, गुफाओं में रहने लगे, मकान बनाने शुरू हो गए, अपने एक मकान के अंदर उन्होंने दो पत्थरों को रखकर चूल्हा भी बनाने शुरू कर दिया, और जो जंगलों में बहुत सारी जो सामग्रियां हुआ करती थी, जो उनके जो वो थे क्या कहते हैं जड़ी बूटी कंद मूल फल सब जो थे वो अपने रसोई में लाने लगे थे। इससे क्या हुआ कि रसोई का विकास हुआ और रसोई में संग्रहालय भी बन गया उनका। अब वो 2-4 दिन तक भी मतलब अपने कहीं ना जाते थे तो उनका भोजन हो जाता था। बच्चों के साथ में तो चाहिए होता है। इस तरह से प्रयास करने के बाद और उनको जो सूक्ष्मता से विस्तार की ओर बढ़ते चले गए और विकास भी बढ़ता चला गया, और उनके अंदर एक बहुत अच्छा जो था एक समाज, जो समाज में रहने लगे ना, आपस में महिलाएं बैठ करके समूह संगठन में रहने लगी, तो वो झुंड में रहने लगे, तो उनके अंदर एक सामाजिक विकास शुरू हो गया। और उन्होंने जो है अपना उठना बैठना करने के साथ साथ अब वो आहार व्यवहार में भी प्रांगण होते चले गए। तो अब खाने पीन में उस समय जो था, जंगलों में कंद मूल फल तो थे ही, अब जब थोड़ा सा प्रगतिशील हमारा जो इतिहास है उसमें फिर देखा गया कि जो जंगल के कंद मूल फल थे वो सारे जैसे आजकल आपने देखा होगा हमारे पहाड़ों में जो कंद मूल फल हैं वो उसी समय से हैं भी होंगे और ऐसी तरह से वो लोग खाते थे। बेलें होती हैं उनमें कद्दू भी लगते हैं, लौकी हैं, तुरई, उस समय भी सब कुछ होती थी। तो वो लोग धीरे धीरे अपने आसपास बोने लगे, और जो गेहूं, जौ, मक्का और बाजरा, ये मोटा अनाज जो जंगलों में खुद कुदरत ने इन बीजों को मनुष्य के लिए उगाए हैं, तो वो उस समय भी थे, तो उन लोगों को धीरे धीरे उसको ऐसे ही पानी में डाल करके भून कर कच्चा खाने लगे। जब इनके अंदर विकसित हो गई तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन
एक छोटा सा बच्चा था, वो मिट्टी में खेल रहा था, मिट्टी में खेल रहा था और मिट्टी से ही उसने पत्थरों की जैसे आकार देना शुरू कर दिए। तो अब उनकी जो माता थी उसने उस बच्चे को कहा कि अरे तूने तो अच्छा सा बना दिया, और उसको सूखने उनको नहीं पता था कि सूखने के बाद ही अच्छा बन जाएगा। और जब सूख गया तो सूखने के बाद उसके अंदर अच्छी कलात्मक आ गई। तो उस दिन से उन्होंने फिर जो है धीरे धीरे जो है ऐसे ही मिट्टी से बर्तन बनाने प्रारंभ कर दिए, और वो मिट्टी के हांडी और खाना पकाने के और विकसित करते गए। फिर उसमें धीरे धीरे उन्होंने अच्छा रूप लाए और वो एक तरफ से फिर वो अपने चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों पे खाना बनाने लगे। इसके बाद आता है आपका लोहा युग आता है, तो लोहे के बर्तन, लोहे के सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद आता है तांबा का युग, तो तांबे से स्टार्टिंग हो गया। उसके बाद आता है ये कई युग, तांबा युग आ गया, और उसके बाद लोहा का युग है, एक वो भी है क्या कहते हैं कांसा का, कांसे का था। तो उसमें ईश्वर ने, प्राकृतिक ने मनुष्य के लिए सारी वस्तुएँ जो है स्वास्थ्य वर्धक बनाई थी। कांसा मनुष्य के लिए बहुत शारीरिक उपयोगिता भी रखता है और खाने का। तो इस तरह से कई युगों युगों के बाद ये था, ये एक सभ्य युग आ गया और इसे सभ्यता का युग कहा जाने लगा। समाज में उठना बैठना हो गया, लोग कारोबार भी करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। कुछ लोग उस समय भी जंगलों में घूमा करते थे, परंतु ये लोग अब जंगलों में कम जाने लगे। एक जो अच्छे उसमें भी फिर ऐसा हो गया समूह में कि जिनके बच्चे थे घर में सब लाते थे, वो लोग समूह में बैठ के खाते थे, आराम से बैठ के करने लगे। अब पुरुष भी जो था अपने गृहस्थ में रहने लगा, और धीरे धीरे जंगलों में जो थे अब जानवरों को मारने का प्रचलन कम होने लगा, क्योंकि जब जब जानते नहीं थे, मंद बुद्धि थे, नहीं जानते थे, तो फिर जानवरों का मांस खाते थे। यहाँ तक कि उसमें गाय का और भैंस, सारी जितने भी जानवर हैं सबको खाने का था। परंतु इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने उनको मार के खाने लगा, तो अब वो गायों को नहीं मारते थे, क्योंकि गाय उन्हें क्या देती थी, दूध देती थी। दूध देने के बाद क्या हुआ कि गायों का दूध वो पीने लगे। जब गाय का दूध पीने लगे तो इससे उनको क्या हो गया, शारीरिक विकास हो गया। तो वो गाय को एक तरफ से पूजने लगे, क्योंकि गाय के दूध से उनका शारीरिक विकास हुआ, बच्चों को जो अच्छी तंदुरुस्ती बनी। तो उसको गाय को उन्होंने समझा कि जैसे माँ दूध दे रही है ऐसी गाय दूध दे रही है, तो ये गाय भी हमारी माता है। और तब से उन्होंने गाय को पूजनीय से रूप में रखना शुरू किया, और गाय की वैल्यू हो गई। गाय में जो है एक तरफ से उन्होंने मारना बंद कर दिया गायों को भी। और उस दिन से आज तक गायें मारी जाती हैं, आज भी मारी जाती हैं, परंतु गौ हत्या पाप समझा जाने लगा। तो इसी के तहत जो है फिर हम लोगों ने इस पे वो किया, काम किया, इस पे काम किया। तो काम करते करते हमें ये भी लगा कि इसको आना चाहिए उजागरता में, उजागरता में आना चाहिए। तो जब ये उजागर में आया तो हम लोगों ने इसको जो है एक अच्छा सा रूप देने के लिए जो है एक विचार बनाया कि क्यों ना इनको संग्रह किया जाए। आने वाले बच्चों को इस पर कुछ भी पता नहीं है कि हमारा आने युग इतिहास क्या था क्या नहीं है। तो ये इस पर लिखा मैंने शुरू किया है, और लिखा है मैंने इसको 2004 से स्टार्ट कर लिया था लिखना, और तब से हम कुछ ना कुछ उत्तरांचल रसोई पर हर त्रिमासिक पत्रिका के रूप में निकालती भी लिखती भी हूँ। उस लिखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो प्राकृतिक ने खुला बैंक दे रखा है, चारों तरफ फल फूल पेड़ पौधे अन्न धन सब, एक एक पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए, एक एक पौधा हमारी प्रगति के लिए, एक एक पौधा हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए दे रखा है। तो हम उन पौधों को आज भी मतलब हम लोग संजोते हैं, क्योंकि सब जंगल के तो थे ये सारी चीज़ें। उस समय कितना उनको मतलब रखा गया था नज़दीक, जानते थे वो लोग हर एक एक जड़ी बूटी, जो उन्होंने देखा चोट लगी तो कुछ लगाया, इस तरह से वो दवा आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में भी वो लोग यूज करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि बैल थे, गाय ने बछड़े दिए, तो उन्होंने उन बछड़ों से लकड़ी के और मिट्टी पत्थर के, फिर उसके बाद लोहे के, उसके बाद फिर जो है तांबे के हल फल बना करके खेती जुताई, और जो आसपास के लोग थे अनाज उगाने लगे। अनाजों में सबसे पहले उनका जो था बाजरा, मक्का, मोटा अनाज जो था, और इस अनाज को पीसने के तो था नहीं उनके अंदर इतने, तो उन्होंने उसको वैसे ही पानी में बॉयल करके बनाते। और मैंने देखा है ये राजस्थान
राजस्थान में आज भी बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। तो मैंने जाना कि देखो ये परंपरा से चली आ रही एक कुछ कुछ ऐसे हमारे जो पारंपरिक भोजन है वो आज भी मौजूद है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों पे। तो इतना तो आपको पता चल ही गया। अब इसके अलावा आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। तो अच्छा ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा ये है कि जब घर मकान बनने लगे, समूह में लोग लगने रहने लगे, तो बताओ उनका खाने का क्या हो गया। अब हम लोग आज की डेट में कह सकते मुर्गे, उनका था कि मुर्गा जीत के कौन लाएगा। जो वो लड़ाते थे तो उसको कहते थे कि मुर्गे को, मतलब बड़ा मुर्गा पालते थे तो उसके भी युद्ध कराते थे। बहुत सारे उनके खेलों के मनोरंजन के साधन भी हो गए और प्रतियोगिताएं भी होने लगी, और इस तरह से वे आपस में अपना एक सामाजिक विकास भी कर रहे थे। इसमें फिर मैं ये रसोई के बारे में अगर बताना चाहूँगी कि ये मैंने देखा भी है और आयुर्वेद में थोड़ा पढ़ा भी है कि जितनी हम जंगल की चीज़ों को बिना पकाए खाते हैं तो हमारे शरीर सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है और काफ़ी लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। तो जो लोग पहले के थे ना, तो उनके लंबी उम्र होती थी, बहुत लंबी उम्र होती थी, लंबे चौड़े होते थे उनके पाँव भी। जो अगर हम देखा जाए तो अभी भी अगर हम सुनते हैं कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में रूपमती का तालाब है, रूपकुंड है, तो वहाँ पर जो रूपकुंड में अभी जो जब उसकी खोजबीन हुई थी तो उसमें वो पाए गए मानव कंकाल पाए गए, तो मानव कंकाल का जो हिम क्षेत्र में पाया गया, तो वो मैंने पढ़ा है कि 1 फुट से, 1 फुट नहीं, एक फीट, हाँ 15 सेंटीमीटर, इतने इतने उनके कंकाल पाँव के, और हाथ भी उनके वैसे थे। तो ये लोग लंबे चौड़े होते थे, तभी तो कहते थे कि हम लोग तो 4 पग चलते थे, ये बहुत ज़्यादा पग चल जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इतने लंबे चौड़े। फिर धीरे धीरे जब ये लोग जंगली जड़ी बूटियों के को खाने लगे तो इनको, इनके अंदर जो है विकसित भी आई, बुद्धिता भी आई, और ईश्वर ने धीरे धीरे मानव विकास की कहानी लिखनी शुरू कर दी। तो उस कहानी के तहत में जो है आपने देखा होगा कि ये समूह संगठन में जो थे, इनके रहन-सहन में परिवर्तन आ गया, खान पान में परिवर्तन आ गया, इनके साज सज्जा में परिवर्तन आ गया। सबसे पहला परिवर्तन आया इनके चेहरों पे। अब इनके चेहरों पे बाल नहीं होते थे, अब इनके जो जड़ी बूटियों से खाने से इनके चेहरे में जो थी एक दूसरे तरह की जो मानवता का एक सुंदर चेहरे बनने शुरू हो गए, और जो विद्वान होते थे उनके अंदर का चेहरा दूसरे दिखने लगा, जो जिस तरह से भाव रखता था वो चेहरों पर आने लगा। ये सब कब होता है? जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। जैसे उन्होंने खाना शुरू किया था अन्न को, उसी तरह से उनके चेहरों पर भी वो चीज़ें आ गई। अब इसके साथ में मैं आपको एक और पहलू बताती हूँ कि जड़ी बूटियों का हमारे पास कैसे पहुंची, जिनको हम अपने, देखो हम, आपने देखा आज भी मैं अपनी रसोई में या आप अपनी रसोई में देखिए कि सारी जो हैं जड़ी बूटियों के रूप में जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं मसाले, ये सब जंगलों में होते थे, और ये वही लोग हमारे पुराने लोग हैं जिन्होंने हमको ये दिया है, अपने एक पहचान दी है हमें जड़ी बूटियों की। और ये जड़ी बूटियों से यही नहीं, जब आर्य, तब ये थोड़ा सभ्यता युग आया तो उसमें ये आर्य बन करके हम आर्य आर्य कहलाए उस समय, तब इनको कहा ये हम आर्य हैं, आर्य कहलाए। तो आर्य के बाद जब ये लोगों ने इधर उधर आना जाना शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिए आपस में देना, जैसे मैं अफ्रीक जिसमें सुनती हूँ या हमने जो पढ़ा है कि बहुत जो विदेश हैं आज इनमें, जैसे क्या है, दो चार ऐसे हमें, मेरे मेरे को भूल रही हूँ, वहाँ पर सबसे पहले जो था गेहूँ से ब्रेड की ब्रेड बना, ब्रेड तो वो लोग तो रोटी को ब्रेड ही कहते हैं, तो उस ब्रेड से ही प्रचलन आया। कोई ज़्यादा समय का नहीं दिखा रहा है, 17,100 की बात दिखा रही है। तो इतना मतलब हम लोग सोचते हैं अरे बाप रे गेहूँ, तो 17 लाख वर्ष पहले ये गेहूं की रोटी बननी शुरू हुई थी। तो
तो अब 17 लाख कितना होता है लगा लो आप, उतने लाख के बाद धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ सभ्यता का उप थोड़ा हल्का विकास होता रहा और हम लोग जो है बहुत बढ़िया इसमें युग में आ गए और धीरे धीरे जो युग बढ़ता रहा आगे चलते रहे और हम लोग जो है एक वैदिक काल के समय में एक चरण ऐसा आया जिसको जब वेद में ब्रह्मा जी ने खुद वेद से जो है पूरा वो किया रचना करी, वेद रचना करी और वेद में ही उन्होंने बताया कि परमपिता परमेश्वर कौन है और मनुष्य को तब ज्ञान होने लगा कि जो हमको दे रहा है ये कौन है। इसकी पहचान के लिए उन्होंने प्रभु परमात्मा का ध्यान करना शुरू करा। तो सोचते थे सूरज से जो हमारे पे गर्मी आ रही है ये सूरज ही जो है बहुत बड़ी हमारे को प्रकाश दे रहा है, तो सूरज की उन्होंने तब पूजा करनी शुरू कर दी। पेड़ पौधों से जिसको जिससे उनके शरीर को लाभ होता था तो उनको ये था कि प्रभु परमात्मा के द्वारा दिया गया हुआ हमको उपहार है, वो उसी चीज़ की पूजा करने लगे और इस तरह से वो सब पूजते चले आ गए। उन्होंने जो है शिव को भी पूजना शुरू किया क्योंकि शिव उस समय के आराध्य देवता थे और जो नहीं मतलब उनको जानते थे वो उनको लिंग ऐसे पत्थर का जो बना करके एक भगवान का जो शिव लिंग होता है उसको बना करके पूजा कर देते थे। तो ये चीज़ें ईश्वर की खाने पीने से जब बुद्धि आती है तो बुद्धि से विकास होता है, विकास से जो है तब जा कर के हम लोग जो हैं आगे प्रभु को भी या किसी भी सब्जेक्ट को जान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए और अब आ गए हम वैदिक काल के प्रथम चरण में। वैदिक काल का जो प्रथम चरण था ये वो चरण था जिस समय वेद जी ने ब्रह्म वाक्य के द्वारा पूरे सृष्टि को श्री निराकार प्रभु ब्रह्म पिता परमेश्वर का पूरी सृष्टि पर जो है साम्राज्य किस तरह से स्थापित हुआ है और किस तरह से एक है जो सारी सृष्टि को चला रहा है और वो ही जो है सारा ये हमको हमारे लिए बनाता है। अब इस तरह से धीरे धीरे इन संपत्तियों को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने जो वेद वाक्य थे उसमें सबसे पहले कहा गया कि आप जो हैं अपने इस प्राकृतिक को जो ईश्वर ने आपको उपहार स्वरूप दिया इसकी संरक्षक करो, इसको संरक्षित करो, संरक्षण करो। और संरक्षण करने के लिए ही उन्होंने जो था यज्ञ स्थापित कर दिए और उस यज्ञ के स्थापित करने पर प्रभु ने उनको एक अलग सा एक वैदिक काल का जीवन आया जब खान पान का रहन सहन का बहुत ही अंतर आ गया था। तो ये जो वैदिक काल के खान पान का मैं आपको बताएंगे तो उसमें आपको कई चीज़ों का समावेश मिलेगा, उस जंगल का भी मिलेगा जब लोग समूह संगठन में रहेंगे तब का और वैदिक काल में कितनी प्रगति हो गई और इसी तरह से हमारे एक नए समाज का जो कलमबद्ध होते हुए चला रहा है ये वैदिक के प्रथम काल है। वैदिक के 4 काल थे तो ये प्रथम काल में जो स्वतः ही वेदों के द्वारा लिखा गया और उसमें साफ कहा गया कि उसी में अभी वैदिक काल में ब्रह्मा जी के द्वारा था कि सनातन एक जैसे रहने वाला जो है यही प्रभु परमात्मा है, यही एक सत्य है। इसी सत्य को प्रथम काल में ब्रह्मा जी की कलम से वेदों का ब्रह्म प्रकट हो गया था। हर जो वेद लिखे गया है वो संस्कृत की वो भाषा है, इसे बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं और वो ब्रह्म वाक्य जो हैं लिखे गए थे वो आज के तक हमारे साथ हमारे पास हैं आ रखे हैं। इसीलिए एक अभी भी हम लोग सब मानते हैं कि सारी सृष्टि को चलाने वाला एक ही प्रभु है। ये ज्ञान तभी आता है जब हम जड़ी बूटी खान पान रहन सहन के उसी स्तर को उसी तरह से बनते चले जाते हैं, देवतुल्य कहलाते हैं और इस प्रकार से उस समय शब्द उच्चारणों का को उनको मिलने लगा। पहले भाव में करते थे, आवाज़ नहीं थी, मनुष्य के हल्ला हो हा ऐसे धीरे धीरे शब्द आने लगे और फिर वैदिक शब्द के साथ उनका एक नया जन्म हुआ जिसमें उन्होंने हर कंद मूल फल फूल रसोइयों का सब चीज़ का उन्होंने नाम रखना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया। वही धीरे 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 आज तक हमारे पास विकसित होते चले आ रहे हैं। तो ठीक है, फिर मैं कल आपको जो दूसरा एपिसोड में आऊँगी तो मैं कल वैदिक काल के प्रथम चरण में क्या क्या था ये तो जो मैंने पढ़ा है जो हम लोगों ने अपने इतिहास में पढ़े हैं मैं उसी पर आधारित सत्य और एक
अब अनुभव भी हो गए हैं हम लोगों को, क्योंकि अपने अनुभव से अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं, और ये प्रयास जो है सफल हो, क्योंकि अब जो एपिसोड शुरू होंगे इसमें हमारे एक एक चीज़ों का जो है किस तरह से रसोई थी, किस तरह से हम आज भूल चुके हैं, और किस तरह से हमारी रसोइयाँ औषधालय आज भी हैं पर हम समझ ही नहीं पाते हैं। केवल हम एक दाल चावल बना कर देते हैं, रोटी सब्जी बनाते हैं, कहते हैं हमारे तो खाना हो गया। वो खाना हमारे शरीर के लिए दो चीज़ें तीन चीज़ों से नहीं बनता है, जब 8-9-10 चीज़ों से नहीं बनता, संपूर्ण आहार हमें मिलना चाहिए, तब जाके हमारे शरीर में विकास होगा, तब जाके हमारी बुद्धि विकास होगी, तब जाके हमारे अंदर एक कार्य क्षमता विकास होगा और हमारी उम्र भी बढ़ेगी, और उसके साथ में एक प्रभु ने जो हमें उपहार में दिया है ये संसार, इसको देखने के लिए लंबे समय तक हमें एक सुंदर जीवन भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।